लखनऊ की बास्केट चाट का हम जिक्र कर रहे हूँ। ये बास्केट चाट पूरे देश में मशहूर हो गई। एज महिला अगर मायावती दोबारा आ जाए तो अच्छा रहेगा, स्टेट के लिए अच्छा है। हम लोग तो बीजेपी को फुल सपोर्ट करते हैं। और महंगाई इतना बढ़ते जा रही है, 5 साल के बीच में कितने बच्चों को सर्विस दिए उन्होंने। यूपी है तो यहाँ जातिवाद थोड़ा सा ज्यादा है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं आज तक। और चुनावी लंच ब्रेक में हमने सोचा कि चाट और चाय के जायके के बाद आपको कचौड़ी का जायका दिलवाते हैं। दरअसल लखनऊ में अगर नेत्राम की कचौड़ी आपने नहीं खाई तो जरूर कुछ मिस कर दिया, और इसी का जायका दिलवाने के लिए हम इस वक्त नेत्राम में मौजूद हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करेंगे कचौड़ी की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है? प्रमोद कुमार यादव। प्रमोद जी, ये कचौड़ी आप दिन भर में कितनी बना लेते हैं? ये तो गिनती नहीं है। गिनती नहीं करते हैं, लेकिन ये सारी गारंटी है फूल जाती है। हाँ। हाँ? कोई ऐसी होती है जो नहीं फूली हुई बनती है? नहीं, ऐसे कोई नहीं है। ऐसे कोई नहीं है। कौन कौन लोग आते हैं आपके यहाँ कचौड़ी खाने? यही के लोग, बाहरी लोग आते हैं, यहाँ के दूर दूर से भी आते हैं। नेत्राम मशहूर है। हाँ, आपको नहीं लगता है कि जब नेता लोग आते हैं उनके जो वादे वगैरह होते हैं वो भी इसी कचौड़ी की तरह होते हैं? जब चुनाव आता है तो फूले हुए होते हैं, उसके बाद जब चुनाव खत्म तो पिचक जाते हैं। कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो भी हम लोगों ने प्रदेश की जनता से वायदे किए हैं हम उनको पूरा करने के लिए संकल्पित हैं, चाहे वह खेतीहर मजदूर हो या हमारा किसान। इन सब के उन्नयन के लिए, उनकी आय को दुगना करने के लिए, युवाओं के रोजगार सृजन करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए जहां बड़े बड़े काम किए, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो जो दिल्ली से लेकर के आपका लखनऊ, लखनऊ से लेकर के बिजली या गाजीपुर छोड़ देगा, वो भी देश में किसी प्रदेश सरकार ने नहीं बनाई अपने संसाधनों से। ये 100 नंबर पुलिस वाला अपने संसाधनों से है। कचौड़ी का हमने आपको दिखाया कि कैसे बनती है, यहाँ ये भरी जा रही है कचौड़ी। भरने की कोई खास टेक्निक? क्या नाम है आपका? देवराजधर दुबे। देवराज जी, कैसे बनाते हैं ये बताइएगा जरा हमारे दर्शकों को कि कचौड़ी कैसे भरी जाती है। ये भी दरअसल एक टेक्निक है, एक आर्ट है, जल्दी आती नहीं है। ये पहले जैसे आटा तोड़ लिया, फिर बीच में उसमें उड़द की दाल भरते हैं। उड़द की दाल और कोई नहीं? और कुछ नहीं, मसाले होते हैं। उसको ऐसे आप करते हैं, उसके बाद बेली उधर जाती है। हाँ, बेली उधर। गर्मा गर्म इधर जलेबी भी बन रही है, तो पहले कचौड़ी का जायका लीजिए, फिर मीठा खाने का मन करे तो यहाँ एक के बाद एक के बाद एक। ये देखिए स्टाइलिश आर्टिस्ट की तरह यहाँ पर ये गर्मा गर्म पतली पतली जलेबियाँ बन रही है। अंदर चलते हैं, इनके जो मालिक है उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनूप जी। अनूप जी, कितने साल से ये दुकान है आपकी? करीब ये दुकान है मैम 1920 की। 1920? 1920 की है। मतलब लगभग अगर मैं नहीं गलत तो 100 साल हो गए। हाँ, हो गए। 100 साल, 101 साल चल रहा है। हम लोग बेसिकली हम लोग इलाहाबाद के हैं। इलाहाबाद में कटरे पे दुकान है, 1854 की है, वो अभी भी चल रही है, नेत्राम चौराहे के नाम से मशहूर है वो। और यहाँ और भी ब्रांचेस हैं? नहीं, और कोई नहीं मैम, एक ही ब्रांच है। आना है तो यही आना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैम। तो हम लोग मेन देखिए है, वेजिटेरियन बनाते हैं खाना और घर की तरह बनाते हैं। लहसुन प्याज नहीं लगता हमारे यहाँ, लहसुन तेल नहीं लगता है, तो और कोई खासियत नहीं है। नेत्राम इसका नाम कैसे पड़ा? देखिए फोर फादर थे जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था नेत्राम, ये मथुरा के थे। देखिए ओ, नेत्राम जी अग्रवाल इन्हीं के नाम पर चला। 1834 की इनकी पैदाइश थी मथुरा के। अच्छा, हम लोग टिकरी गांव के हैं। तब तो छोटी सी दुकान होगी। नहीं, इन्होंने इलाहाबाद में जहाँ पे हैं इस समय वहीं पे शायद कुछ ऐसे जमीन वमीन बैठ के बनाते रहे होंगे, क्योंकि आए होंगे जब मथुरा से, 20 साल की उम्र में आए होंगे। 1854 की दुकान है वो, सुनते हैं तो मथुरा के हम लोग हैं बेसिकली। तो कहाँ कहाँ से यहाँ पर लोग आते हैं नेत्राम की कचौड़ी? मॉर्निंग में मैम दिक्कत क्या है कि कहीं नाश्ता मिलता नहीं, वो भी होटल से 11 बजे से पहले खुलते नहीं है, तो सवेरे आदमी चाहता है पूरी सब्जी जलेबी खा लें, तो उसको एक
जो भी समझिए यही फेमस है, मतलब पूरी सब्जी कचौड़ी जल्दी सर्विसेज दे देते हैं हम लोग मॉर्निंग में 7:30-8 बजे तैयार हो जाता है और रात में थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर देते हैं। जलेबी भी मैंने देखा है कि यहाँ सबसे ज्यादा जलेबी बिक रही है, समोसा भी। अब ये शादी ब्याह का समय है तो लोग जैसे शादी में आए तो अपना घूम घाम रहे, खा पी रहे, समोसे भी जलेबी पूरी मेन हमारे साथ। अच्छा, तो एक थाली हम भी आपकी खाएंगे, हमें क्या कहते हैं बताइएगा कैसी रही थाली। आप कहाँ से आए सर? मैं तो हूँ सर मोहम्मदाबाद गाजीपुर से। गाजीपुर से, तो आपने एक्सप्रेसवे के बारे में सुना होगा? मैं 12 साल रहा हूँ। अच्छा। और इनकी वाकई में मशहूर और टोटल उस वक्त से भी 12 साल पहले से भी देसी घी में ही पूरा सामान इनका बनता है। इलाहाबाद में कटरे में मतलब दुकान है। जितनी बार लखनऊ आते हैं यहाँ जरूर आते हैं। ये मेरा तीसरी बार है जी। तीसरी बार जी है। जी जी। पूरे परिवार के साथ आए हैं? नहीं, परिवार के साथ तो ये दूसरी बार है। दूसरी बार है। जी। तो आपने ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम सुना होगा, अब गाजीपुर वासियों में कितना उत्साह है इसको लेकर? तो लेकिन अभी इनकम्प्लीट है, बहुत सारा काम बाकी है उधर में, बहुत सारा काम बाकी है। मतलब जल्दबाजी में थोड़ा उद्घाटन हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ काम बाकी है अभी। रोड पर तो फर्क पड़ेगा, देखिए ये पूर्वांचल के कितने सारे इलाकों को जोड़ रहा है, इससे आराम तो हुआ होगा? नहीं नहीं, बराबर आराम तो हुआ, लेकिन जो पूर्वांचल का जो इलाका है ज्यादातर जातिगत राजनीति से जो है ये मेल्टअप है बिल्कुल जी, तो इसका असर थोड़ा पड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा कहिए तो नहीं पड़ेगा। जो वहाँ के रसूखदार है जो पूर्वांचल के, उनका ज्यादा इफेक्ट रहता है हमेशा हमेशा ही पूर्वांचल की राजनीति में। अच्छा। जो बाहुबली हैं या जो इस तरह के रसूखदार हैं उनका इफेक्ट हमेशा रहता है। यहाँ पर आपने थाली मंगवाई, थाली खाई, खस्ता खाया या कचौड़ी खाई? नहीं नहीं, ये खस्ता है वो कचौड़ी है। हाँ। मेरे बेटे ने जो है समोसा खाया हुआ है। जी जी, अलग अलग लोगों की अलग च्वाइस है, तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल है जी। तो उधर पूर्वांचल का जो मुसलमान है वो योगी जी को पसंद करता है या फिर इस बार बदलाव चाहता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो काम के ऊपर है, जिसका काम उसको वोट है। काम किया है इस बार योगी जी ने? अभी हमें तो नहीं लगता है। नहीं लग रहा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जी। अच्छा, तो जी हाँ, बस हवाई फायरिंग है, जितना पेपर बैनर देख लीजिए, बाकी और कुछ नहीं। बाकी और कुछ नहीं? जी जी। तो कुछ विकास नहीं हुआ है उधर की तरफ? मैं कहाँ नकार कहाँ रहा हूँ, नकार कहाँ रहा हूँ, और रोड के लिए भी नहीं नकार रहा हूँ। जब कुछ हुआ है तो कुछ तो मिलेगा ही, बाकी बदलाव तो भाई पब्लिक जानती है भाई। मैडम भी आई है यहाँ, उनसे पूछते हैं। मैम कहाँ से आई हैं आप? हम यही लखनऊ से। लखनऊ से ही है, तो नेत्राम की कचौड़ी तो मशहूर है, तो कितनी बार यहाँ पर नाश्ता हो जाता है आपका? कम से कम साल में 4 बार। तो साल में 4 बार, तो आज कुछ खास मौका है? आज हम पिन्नी लेने आए हैं। पिन्नी लेने आई है, आज कचौड़ी नहीं खाएंगी? आज कचौड़ी भी खा लेंगे, अभी आए बैठे हैं, खा लेंगे। सर सर आपसे कहाँ से आए? दिल्ली से ट्रैवल कर। दिल्ली से आप आए हैं, जहाँ से हम आते हैं दिल्ली से। आपने सुना होगा नेत्राम कचौड़ी के बारे में? नहीं, यही आके पता चला। आज एक रिक्शे से जब मैं होटल से मार्केट आ रहा था तो मैंने नाश्ते के बारे में पूछा तो बताया कि ये फेमस है, यहाँ के आइटम्स फेमस है। पसंद आया? हाँ, आई मीन एवरीथिंग इज यू नो अप टू द मार्क, जैसा सुना था वैसा ही है। अच्छा, बिल्कुल एकदम हॉट सर्व कर रहे हैं। बाय रोड आए? बाय नहीं, मैं तो बाय एरिया आया था। हाँ जी, लेकिन लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में तो सुना होगा आपने? मैंने ट्रैवल भी किया लखनऊ एक्सप्रेसवे, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब आपको शायद 3-4 जगह भी ब्रेक लगाने पड़ते हैं, बाकी तो सीधे चले आइए। योगी जी के बारे में जो कहा जा रहा है कि जो एक्सप्रेसवे एक के बाद एक धनाधन बना रहे हैं, सिर्फ फायदा तो हुआ ही है और ट्रैवल में काफी आसानी हुई है? ट्रैवल में आसानी है, और आप अगर इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखिए तो काफी कुछ इंडस्ट्रीज भी आने वाली है यहाँ पे, ठीक है, तो जॉब्स क्रिएट होंगे और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आएगी स्टेट में मेरे ख्याल से। तो लखनऊ कितनी बार आना होता है आपका? आता हूँ ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने लखनऊ आता हूँ। चेंजेस आए इतने साल से अगर आप आ रहे हैं? चेंजेस तो दिखाई पड़ता है, अगर आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कंपेयर टू 10 साल कीजिए तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। आप स्टेडियम देखिए, और उधर आप अगर गोमती नगर के एरिया में जाइए तो आप देखिए, मतलब एक अलग ही लखनऊ दिखाई देता है। क्या क्या नाम है आपका? अजय कुमार गुप्ता। अजय जी कितने साल से आप लखनऊ में हैं? हम तो 15 साल से हैं। तो जब 15 साल से आप यहाँ हैं और दुकान काफी पुरानी, कई बार आना जाना लगा रहता है? हाँ, लगा रहता है। ये अमीनाबाद का जो इलाका है, कुछ इसमें चेंजेस हैं पिछले 4.5 साल में जब से योगी जी आए? पहले तो ऐसा तो कुछ नहीं, हम तो पहले जैसे देख रहे थे वैसे ही है। और वोट डालने जाते हैं? हाँ जाते, जाएंगे। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है? अब देखिए, लग तो रहा है भूमिका तो नीक चल रही है। भूमिका चल रही है, उसकी वजह क्या है? लखनऊ में जो बदलाव हुए हैं, कुछ काम तो बढ़िया किए हैं। काम बढ़िया किए हैं जैसे?
अब जैसे रोड रोड की सफाई फाई तो बहुत बढ़िया रहती है, और भी चीजें हैं। अब घूमते मेट्रो आने से फायदा हुआ, मेट्रो आने से फायदा हुआ, फायदा हुआ। लोग बोल रहे हैं कि जो अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो काफी अच्छा रहता है। हाँ, एयरपोर्ट से बहुत बढ़िया रहता है, कम लगता है समय, टाइम कम लगता है। तो इस बार आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान का वोट बटेगा, ध्रुवीकरण होगा? अब ये तो हम नहीं कह सकते भाई, नहीं कह सकते नहीं। लेकिन लखनऊ के लिहाज से अगर देखा जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट 4.5 साल में हुआ है, 17 के बाद से और या 17 के पहले भी देखा? पहले भी हुआ है, अब भी हो ही रहा है, ऐसा नहीं है। इस्लाम, आप नेतराम जी की कचौड़ी के बारे में कहाँ सुना? हम कई बार खा चुके हैं ना, कई बार खा, हमारा आना जाना रहता है ना इधर। अच्छा, तो यही नाश्ता होता है आपका? हाँ। कहाँ से आते हैं आप? हम मोहनलालगंज। मोहनलालगंज से आए हैं, आधी घंटे का रास्ता है? हाँ, नहीं, एक घंटे का है, मगर एक घंटे की दूरी तय करके आए। क्या अच्छा लगता है इसकी, इतनी सारी जो अलग अलग सब्जियाँ हैं? सब चीज अच्छी लगती है, सब चीज है। आपका वोट उधर मोहनलालगंज की तरफ है? हाँ। इस बार योगी जी वापस आ रहे हैं? इसके बारे में क्या बताएं, हमारे तो ये अखिलेश को अपील जो है, अखिलेश आएंगे। सपा का वोट इस बार ज्यादा है, हाँ। ये लग रहा है आपको? हाँ। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों, उधर हमारे उधर सब खेती बर्बाद हुई जा रही है, गाय है, बछड़ा है, सब साड़ है, सब छोड़े जा रहे हैं बिल्कुल वैसे। क्यों? क्योंकि ऐसे जो है आदमी बांध के रखता था, अब उन्हें खुला छोड़ा जा रहा है, अब नुकसान हो रहा है, सब खेती बेकार हो रही है। सरकार को क्या करना चाहिए? अरे कम से कम सरकार को क्या, कम से कम इनके अखिलेश से सरकार आएगी, कम से कम ये तो दिक्कत नहीं होगी। ये नहीं थी पहले, 17 से पहले अभी नहीं थी, तो अभी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा पावर्ड बाय ईबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग काम कर रहे हैं, दरअसल एक के बाद एक मैं देख रही हूँ कि पैकिंग का सिलसिला भी चल रहा है, तो ज्यादातर लोग खाने बैठ जाते हैं या फिर पैक करा के भी ले जाते हैं? नहीं है, जो जैसे फैमिली से नहीं आ पाए वो पैकिंग करा लेते हैं, पैकिंग करा रहे हैं। हाँ, आज थर्सडे भी है, बाजार बंद रहता है, मार्केट यहाँ का बाजार बंद रहता है। हाँ। तो कम भीड़ रहती है ज्यादा? नहीं, थोड़ा मॉर्निंग में समय रहता है, फिर नहीं, दिन भर बाजार में सन्नाटा हो जाता है। सवेरे नाश्ते लोग, छुट्टी होती है ना, देर से उठे, आराम से खाना खाया। लखनऊ के लोग खाने के शौकीन है? हाँ, ऐसा तो कह सकते हैं, बनारस के बाद, बनारस या इलाहाबाद के बाद लखनऊ का नंबर आता है। बताइए, आप तो इतने साल से। हाँ जी मैम। हाँ सड़क पर? हाँ हाँ बिल्कुल। हम ये बदलाव कुछ हुआ है इस सड़क पर या कुछ ऐसी चीजें की गई, बदलाव, ट्रैफिक आसान हुआ? नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ, और वर्स्ट हो गया। आइए, आप क्या लेने आई है बताइए, अपना नाम बताइए। अभिलाषा। अभिलाषा जी, कहाँ से आती हैं आप? हम अमीनाबाद में रहते हैं। अमीनाबाद में लोकल है, तो आज आज का नाश्ता यही नेत्राम कचौड़ी होगा। हाँ जी। हा? जी हाँ। तो पूरे परिवार के लिए पैक होगा? हाँ जी। हाँ, तो आप तो यही रहती हैं, आप जैसा कि ये दुकान के ओनर भी बता रहे थे कि कुछ बदलाव नहीं हुआ है, अमीनाबाद जैसे था वैसे ही, और वर्स्ट हो गया है। ऐसे हुआ है? बहुत ट्रैफिक नहीं है, नहीं है। तो आप बताइए क्या हुआ है यहाँ पर, अगर आप उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती तो क्या हुआ बताइए? कोई नहीं, बताइए बताइए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, वैसा ही है जैसा था जैसा पहले, था वैसे ही है। तो वही सेम बात जो उन्होंने कही कि अमीनाबाद में दरअसल जो 20 साल पहले था, 25 साल पहले, वैसे ही अमीनाबाद दिखता है। नहीं, अभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ जी। आप तो महिला है, आप गृहिणी है, बढ़ती महंगाई परेशान करती है? नहीं, तेल के दाम बढ़ गए,
सब्जियों के दाम बढ़ गए, दालों के दाम बढ़ गए, सब चीज के दाम बढ़ गए, यहाँ तक कि अब गाड़ी चलाइए पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़ गए, तो लिविंग कॉस्ट तो बढ़ गई है ना। हाँ ये तो खैर है, लेकिन अब समय के साथ साथ जैसी मतलब कमाई भी होती है लोगों की, वैसी खर्चा भी बढ़ रहा है। कमाई वैसा खर्चा। आपको नेत्राम की कचौड़ी दिखाई, तो अगली बार अगर आप लखनऊ आते हैं तो नेत्राम की कचौड़ी का जायका जरूर लीजिए। उस समय सेहत, स्वास्थ्य और खास तौर पर अगर तेल का ध्यान रख रहे हैं तो इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ जायके का मजा लीजिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो उनके फ्लेवर, उनके टेस्ट, उनके जायके के तौर पर सिर्फ शहर भर में नहीं, कई और राज्यों में मशहूर होती हैं। दूर दराज से लोग आकर इसे यहाँ पर खाना पसंद करते हैं। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ नेहा बाथम, लखनऊ आज तक।